यामा के हम दो बाइक्स का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही 2021 मॉडल यानी 2021 मॉडल का न्यू लॉन्च है, अपडेट के साथ आई है। तो देखते हैं दोनों बाइक में क्या अपडेट आपको मिलता है। एक हमारे सामने खड़ी है FZS, दूसरी हमारे सामने खड़ी है FZ। तो इन दोनों में क्या अभी अपडेट आया है 2021 में, उसको हम देखते हैं। और इस अपडेट के साथ आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, मतलब कौन सी बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होती है, क्योंकि दोनों बाइक तो इंजन तो एक ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ एक ही है, थोड़ा सा जो है उसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। और अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको ऑन रोड पटना की आती है 1,28,000 रुपये की, और ये ऑन रोड पटना की आती है यानी कि FZ आती है 1,24,000 रुपये की। तो 4,000 रुपये दाम में अंतर है, और रियलिटी में देखते हैं क्या इन दोनों में अंतर मिलता है, और पहले 2020 में क्या आता था और अब 2021 में आपको क्या देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से है। तो हमारा अपडेट का ये कहानी है कि इसमें आपको तीन कलर्स में, यानी कि FZS में आपको तीन कलर्स में, यानी मैट ब्लू जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, मैट ब्लू कलर इसमें आपको 3D लोगो मिल जाता है, मैट रेड कलर उसमें आपको 3D लोगो मिल जाएगा, और मैट ब्लैक कलर उसमें आपको 3D लोगो मिल जाएगा। लेकिन एक डार्क नाइट एडिशन आता है उसमें आपको 3D लोगो नहीं मिलेगा, वो उसका एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये डार्क नाइट हो गया, तो इसमें आपको 3D लोगो अभी तत्काल नहीं आया है, इन फ्यूचर आ सकता है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी। तो ये भी तीन कलर में ये आपको 3D लोगो के साथ आती है। इसमें अभी आपको किसी भी, यानी FZ में अभी किसी भी वेरिएंट में 3D लोगो का कहानी अभी नहीं है, किसी भी कलर वेरिएंट में, और मतलब FZ अभी 2021 वाला आप लीजिएगा तो आपको 3D लोगो नहीं मिलता है। तो इसका एक कंक्लूजन हो जाता है कि अगर आपको मार्केट के साथ अपडेट होके रहना है तो आप 3D लोगो वाला बाइक ले सकते हैं। आप FZ को छोड़ के ये लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी और थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं FZS के साथ। सेकेंड जो अपडेट आया है वो दोनों में एक जैसा है, ये थोड़ा सा जो ये कलर कॉम्बिनेशन है इसको चेंज किया गया। जैसे कि ये आपको दिख रहा है मैट में, ये थोड़ा अलग ग्रे टाइप का है, फिर ये थोड़ा अलग ग्रे टाइप का है। अगर सेम चीज़ हम FZ में भी देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये कलर ग्रेडिंग जो है वो चेंज किया गया है, और ये सेम कलर को जो है आपको इस पर भी रखा गया है, तो इस पर भी आपको वो देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में एक जैसा है, तो यहाँ पर हम कुछ बात नहीं करेंगे। तीसरा हमारा अपडेट ये आ जाता है कि इसमें आपको अब नए कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जैसे कि मैट रेड और मैट ब्लू में भी ये नया कलर आपको अब देखने को मिलेगा जो कि पहले नहीं आता था। तो दो स्पेशल चॉइसेस आपके पास हो गए कलर के। उसके अलावा अगर बात करें तो आपको साइड स्टैंड कटअप स्विच मिल जाता है, जो कि दोनों में ही मिल जाता है, दोनों के अपडेट में ही आया है, तो वो एक चीज़ आपको नया मिल जाता है। तो इसमें कंपैरिजन कोई बात नहीं है। जब भी आपकी बाइक गियर में रहेगी तो आपकी बाइक स्टार्ट इंजन चालू नहीं रहेगा, आप न्यूट्रल में ही इंजन चालू कर सकते हैं साइड स्टैंड लगे हुए में, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात करते हैं, तो उसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि दोनों का वेट जो है वो 2-2 kg घटाया गया है, और दोनों में ही आपको अंडर बेली में जो पार्ट होता था उसको हटा दिया गया है, जो नीचे में पार्ट होता था एग्जॉस्ट का, साउंड रिड्यूसर या फिर आप बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन कम करने के लिए लगाया जाता था, उसको हटा दिया गया है। तो उसी कारण जो है 2 kg वेट कम हुआ है, तो वो चीज़ दोनों में ही किया गया है, तो वहाँ पे भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और कारण शायद ये है कि इसमें जो कैटलेटिक कन्वर्टर के पास से जो चिमनी से हवा टकरा के बाहर निकलती है वो 2-2 जगह ब्रेक हो रही थी, शायद इसलिए यामा ने हटा दिया होगा। ऐसे यामा की तरफ से इसके बारे में कोई चीज़ ऐसे कोई भी मतलब कोई बात भी बोली नहीं गई है कि ये हमने हटाया है रिमूव किया, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके तरफ से नहीं है। लेकिन हम जो आज के डेट में देख पा रहे हैं कि ये चीज़ अब आपको देखने को नहीं मिलता है। कोई पुरानी FZ अगर यहाँ लगी होगी तो मैं आपको एक क्लिप यहाँ पर दिखा देता हूँ, ओके। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो उसके अलावा जो अपडेट किया गया है वो एक्चुअली हम अपडेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उससे हमारा जो साउंड है चेंज हो गया है, वो वही एग्जॉस्ट का जो उतना बड़ा पार्ट हटाया गया उससे इसका साउंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यही दोनों में अपडेट है। अब इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें इसके मुकाबले आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है इनबिल्ट नहीं मिलेगी। जैसे ये आप परचेस कीजिएगा तो आपको ब्लूटूथ वाला बाइक मिलेगा, FZ में आपको ब्लूटूथ वाला बाइक नहीं मिलेगा। और इसके अलावा कुछ कलर्स का इशू है, तो वही उसी का आपको लगभग 4,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ के अलावा कलर कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ आपको इसमें ज़्यादा मिल जाती है, FZ मिल जाता है, FZS का लोगो मिल जाता है, थोड़ा अच्छा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये सिल्वर फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि FZ में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। और उसके अलावा भी कहीं कहीं पे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसको मैं दिखाता हूँ अभी। थोड़ा सा आपको जो अलॉय व्हील आप देख रहे हैं उस पर एक स्टिकर गोल टाइप का यहाँ किया हुआ मिल जाएगा आपको, ये जो स्टिकर आपको दिख रहा है डेकल्स ऐसे इसको बोलते हैं, इस पर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा।
और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या अपडेट है इसके अलावा, अपडेट या फिर डिफरेंस कह सकते हैं, जो कि पहले से भी आता था अब भी आता है। तो रियर व्हील में भी सेम यही जो स्टिकर यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलता है और आपको FZS में देखने को मिल जाता है। अगर दोनों की टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, इसमें भी आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और आपको FZS में भी रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। तो मतलब जो मोटा मोटी स्पेसिफिकेशन होता है जिससे बाइक जो बाइक कहलाती है और बाइक का जो मतलब ग्राउंड होता है जिसको हम कह सकते हैं ठोस चीज़ हो, में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ये भी उतनी ही अच्छी बिल्ड है और उतना ही सब कुछ दिया गया है इसमें उस क्वालिटी का जिस क्वालिटी का इसमें आपको देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो मैं मिसिंग कर रहा हूँ। ऐसे मुझे देखने में ये बिल्कुल एक जैसी ही लग रही है पीछे तक, इवन टेल लैंप तक। तो एक जो छोटा सा एक डिफरेंस और जो था वो यही था कि आपको यहाँ पे जो है वो ग्लॉसीनेस और क्रोम फिनिश मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिशिंग आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलती है। बाकी दोनों चीज़ दोनों एक जैसी बाइक है। अब आपको आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें कौन सी लेनी चाहिए बाइक, FZS लेनी चाहिए या फिर FZ लेनी चाहिए 4000 रुपये के प्राइस पॉइंट से। तो मुझे लगता है कि अगर आप 124000 रुपये की बाइक खरीद रहे हैं, मतलब 125000 समथिंग की बाइक खरीद रहे हैं, तो आपको 4000 रुपये प्राइस पॉइंट नहीं देखना चाहिए और आपको FZS लेनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ये क्रोम और ये FZS जो लिखा हुआ है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का एक सबसे बेहतर फीचर है कि आप अपने अगर पैटर्न से लॉक कर देते हैं तो आपकी बाइक चाबी के बावजूद भी कोई स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो ये एक बेहतर चीज़ है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के। हाँ, पैटर्न लॉक के थ्रू एक पैटर्न लॉक आता है उसमें, जिसके थ्रू आप जो है वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि एक पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए दो बार इधर मैंने किया दो बार इधर किया, तो एक पैटर्न लॉक से ब्लूटूथ में लॉक होने के बावजूद भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक फीचर आता है। तो आपको अपडेट अगर मार्केट के साथ रहना है तो आई थिंक सो कि आपको FZS पे जाना चाहिए इन कंपैरिजन टू FZ। अगर आप फिर भी सोचते हैं कि वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फ़ीचर आपको फालतू है, और आप ऐसा कर लीजिए कि आप जिसमें GPS लगवा लीजिए उसके अलावा, जैसे जो आप 3000 रुपये 3500 इसमें भी ब्लूटूथ लगवा सकते हैं 3500 का, लेकिन अगर GPS लगवाइए तो ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में आता है, ब्लूटूथ उतना प्रैक्टिकल नहीं है ऐसे देखे तो। तो यही है दोनों का कंपैरिजन। अगर एक थोड़ी देर में अगर आपको दोनों के स्पेसिफिकेशन बता दूं, तो दोनों में आपको सेम इंजन मिल जाता है, 12 PS का पावर मिल जाता है, 13.3 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 165 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, सीट हाइट आपको 790 mm मिल जाएगी, 5 फुट से 4 इंच से ऊपर कोई भी बंदा इसको चला सकता है, 5 फुट 4 इंच इंक्लूडिंग है उसमें। उसके अलावा इसमें आपको पीछे में रेडियल ट्यूबलेस टायर 140 सेक्शन के मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, 17 इंच का टायर प्रोफाइल है। पीछे में आपको मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, और उसके अलावा अगर देखें तो LED हेडलाइट मिल जाता है, बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं देखने को, इंजन किल स्विच, फ्रंट व्हील में आपको ABS मिल जाता है, 282 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं जो कि 220 mm के होते हैं। बाकी टायर में आपको टायर हगर मिल जाता है, इसमें दिखा देते हैं हम थोड़ा सा, टायर हगर मिल जाता है और यहाँ पे भी एक कवर मिल जाएगा, और अगर एग्जॉस्ट पे देखें तो यहाँ पे भी आपको पूरा कवर किया गया है, और सीट की जो लंबाई चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, जिससे आप एज अ फैमिली बाइक इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसका कुछ एक्सेसरी आता है, जैसे कि यहाँ पे लगा दीजिएगा तो लेडीज़ फुट रेस्ट बन जाता है, और चैन को पूरा तरह से, ये कवर्ड चैन तो नहीं है लेकिन इसको पूरा मेहनत करके कवर कर दिया गया है, तो एज अ फैमिली बहुत अच्छी है। तो मैं कुछ इसके ये आते हैं, एक्सेसरीज़ आते हैं जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिससे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, आप चैन को कवर के पास लगा सकते हैं लेडीज़ फुटरेस्ट टाइप का। तो उस एक्सेसरीज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको परचेस करके देख सकते हैं कि कैसा लगता है उस एक्सेसरीज़ के साथ, उसके बाद आप लगा सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि उसके बाद बाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगती है और बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है। तो मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ YETI YAMAHA के शोरूम में। अगर आपको फाइनेंस पर परचेस करना है तो आप इन कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो पटना से हैं वही कॉल करें या फिर बिहार से हैं वही कॉल करें, बाहर वाले अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके जानकारी ले सकते हैं। बाय बाय।